सुबह उठने के लिए जैसे अलार्म लगाते हैं या फिर अलग अलग कामों को याद करने के लिए लगाते हैं अलार्म, वैसा अलार्म लगा लें कि पानी भी पीना है। नहीं, मेरे पास एक और सोल्यूशन है, मेरे पास एक और सोल्यूशन है। घर में कोई भी आपका सदस्य उसको बोल दे, कागज के ऊपर लिख करके रख ले, घर के सदस्यों को बता दे स्वामी जी कि हर एक घंटे बाद मुझे याद दिला दे पानी पीना है। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दी जो है एक पेपर पे लिख करके रख ले जहां भी अपना ऑफिस होता है, एक ग्लास पानी, मुझे पानी पूरा पीना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाना चबा चबा करके खाना है, खाना कम खाना है, हिताहारी मिताहार हितारा मितारा अल्पहारा चाहिए न रहा, नैतान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका, एक भुक्तम सदा रोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मार्कम, ये काल भोजनम आरोग्य कराणाम। ऐसे लिख करके रख रहे कि मुझे अपनी ऋतुचर्या दिनचर्या योगचर्या का ख्याल रखना है, आहारचर्या का ख्याल रखना है, तो ये बातें अपने एक पेपर पर लिख करके और जहाँ भी अपने वर्किंग प्लेस होते हैं अपने ऑफिस में और आप एंकरिंग करते हो तो अपने वहीं पर रख लिया करो तो याद रहेगा ये बात, फिर हमारे स्वभाव में हमारी स्मृति में रहेंगी, नहीं तो हम भूल जाते हैं, भुलक्कड़ बहुत हैं हम। ठीक बात है स्वामी जी। स्वामी जी देखिए सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ रही है और सर्दियों में पानी की कमी से भी यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी लोगों को होता है, तो सर्दी में प्यास भी कम लगती है, तो ऐसे में पता कैसे किया जाए कि शरीर में वाटर का लेवल कम हो रहा है। ये बड़ी थोड़ी सी बारीक सी बात है कि जब प्यास लग नहीं रही है तो आदमी पानी पी नहीं रहा है, तो ये कैसे पता किया जाए कि शरीर में पानी की कमी हो रही है और उसके बाद पानी की ज़रूरत है? जब यूरिन कम आए या पीला यूरिन आए, ज़्यादा पीला, थोड़ा तो पीलापन होता है, कई प्रकार के टॉक्सिन्स को निकालता है यूरिन, लेकिन ज़्यादा पीला पेशाब होना ये लक्षण है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, एक बात। दूसरी बात, जब आपकी आंखों में थोड़ी लालिम आए, स्किन पर थोड़ी इचिंग होने लगे, तो समझ लेना पानी की मात्रा कम हो गई। एसिडिटी होने लगी, थोड़े चक्कर से आने लगे, तो समझ लेना पानी की मात्रा कम हो गई है। तो ये डिहाइड्रेशन के ये कुछ सामान्य लक्षण हैं और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, पानी कम होने से अंदर मल भी सूख जाता है तो फिर टॉयलेट भी ठीक से नहीं होता, तो ये तो पता लग जाता है। कंठ सूखना, प्यास लगना एक उसका लक्षण है, ये कई लक्षण जैसे हमने बताए, इसको पूरा अपनाए और चलिए ये सारे लक्षण भी सबको याद रखने चाहिए कि 3 लीटर तक अधिकतम पित्त प्रकृति है तो जी कि पानी पीने का वक्त हो गया और पानी पी लीजिए, पानी पीते रहिएगा तो सेहतमंद भी रहिएगा और अच्छे दिखिएगा भी, बड़े फायदे होते हैं। बस योग के बीच में अगर प्यास लगे तो ऐसा नहीं कि जग भर के पी जाना है, घूट करके पी लीजिए। कई बार सिर दर्द भी होता है और ये मैं बहुत ही आजमाई हुई चीज बता रही हूँ, पानी पियो तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, पानी कम पीने की वजह से स्वामी जी कई बार सिर दर्द भी होता है। सिर दर्द की बात कर ले क्या पहले, फिर किडनी की बात कर लेते हैं। हाँ, वो पित्त बढ़ जाता है उससे, और पित्त बढ़ने से फिर ड्राइनेस भी आती है स्किन के ऊपर, जो ड्राई स्किन भी जो होती है ना उसमें एक कारण ये भी है। एलोवेरा पिए, एलोवेरा लगाएं और पानी को तो पीना ही पीना है जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए किडनी प्यूरीफाई करने का तरीका आपने बताया, लेकिन हर कोई 100% उसे अपना नहीं पाता, बहुत सारी गलतियाँ लोगों से हो रही होती और उसके बाद फिर नौबत आती है UTI इन्फेक्शन की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो जिसे UTI इन्फेक्शन हो गया है वो फिर कैसे खुद को ठीक करेगा? तो देखो UTI के लिए सबसे अच्छा है गोखरू पियो, गोखरू का काढ़ा हमने सारे हिंदुस्तान को उपलब्ध करा दिया। गोखरू के बाद फिर जो का प्रयोग मैंने बताया, जो को जो का दलिया सा बना के अच्छे से कूट लें, इसको कूट जाता है तो आजकल वो जो है इमाम दस्ता जो है सबके घरों में होता ही है, कूटने के लिए उखल मुसल किसी न किसी रूप में होता ही है, उखल मुसल में कूट लें, जो का पानी पिए, जो का दलिया, जो का आटा, जो का दलिया और जो का आटा ये हमने सबको उपलब्ध करा दिया, सारे मार्केट में तो उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रोसेसर होता है, करीब 25% इसके ऊपर से ना ये भूसा निकलता है अंदर से, फिर वो तो 25% उसमें ख़राब हो जाता है, फिर हम जो है जब इसका दलिया बनाते हैं तो आटा भी साथ में निकलता है, तो यह पहला है पतंजलि जो लोगों को जौ का आटा और दलिया उपलब्ध कराता है।
सप्ताह में एक बार जोका, और जोका दलिया साहब थोड़ा दूध में पका के खाओ तो सारे पकवान फीके, इतना चिकना चिकना और इतना पौष्टिक होता है, आप खा के देखो किसी दिन। एक बार तो मैं खाने लगा तो थाली भर के खा गया बेटा, ऐसे कोई कई किलो नहीं खाया तो फिर हमने स्कैप कर दिया वो, फिर डिनर जो है लंच नहीं किया। इतना स्वादिष्ट लगता है, और इसमें थोड़ा शक्कर, फिर शक्कर या और घी डाल लो थोड़ा एक चम्मच, फिर तो साहब एकदम स्वर्ग का आनंद मिल जाता है तो ये जो बहुत अच्छा। फिर जिनकी ज़्यादा ही किडनी ख़राब हो जाए, अब ये कौन काढ़ा बनाए कौन ये सब दलिया बनाए, तो हमने ट्राई घन और कोरी घन भट्टी देख रखी है, जो और धनिया ट्राई घन कोरी घन भट्टी रखी हुई यहाँ पर। फिर ये रिनोग्रिट जब किडनी पर असर आ जाता है इसका, ये उसको भी ठीक कर देता है, और जब प्रोस्टेट पर आ जाता है तो प्रोस्टोग्रिट भी देते हैं। पहले हम चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि और विषतिंदु की तीन देनी पड़ती थी, अब तीन नहीं देनी पड़ती। जो काम विषतिंदु चंद्रप्रभा गोक्षुरादि तीन मिलके कर रहे थे, वो काम अकेला हो गया प्रोस्टोग्रिट से। और कई प्रकार की औषधियाँ देते थे, कई प्रकार के काढ़े, नीम पीपल के पत्तों का रस, फिर वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी देते थे, तब रिनोग्रिट से काम चल जाता है। एक और काम करना चाहिए, ये जो हाथों में पैरों में किडनी के पॉइंट है ना, ये दबाते हुए कपालभाति करने चाहिए, छोटी अंगुली के टॉप पर, हथेली के बीच में, हथेली के बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ दबाने से थोड़ा दुखे तो समझ लो किडनी में गड़बड़ी आ गई है। है तो ये छोटा सा अंग, लेकिन जो है ये पूरे शरीर के ब्लड को फिल्टर करता है और सारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये यहाँ से दबाएं ऐसे ऐसे, और यहाँ से कपाल भाती करते करते, पैरों में भी, दोनों पैरों में एक साथ ये करके, हमने जिन लोगों का यूटीआई भयंकर जलन 10-10, 20-20 साल से था उनको ठीक किया। फिर शुद्धिकरण, इसमें हम जो गोखरू वृक्कदोष और क्वाथ का ही काढ़ा बना करके उसी से एनिमा और दे देते हैं, उसकी बस्ती भी दे देते हैं, ये मिट्टी पट्टी करते हैं और किडनी पर बस्ती भी करते हैं। अच्छा, और पूरा संख प्रक्षालन भी करवा देते हैं, किडनी एकदम ठीक।